ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गुजरात के वडोदरा में 11 जून को एक अनोखी शादी होने वाली है, जहां शादी की हर रस्म अदा तो की जाएगी, शादी में दुल्हन भी होगी, लेकिन नहीं होगा तो वो है सिर्फ दूल्हा। गुजरात की शमा बिंदु दूल्हे से नहीं बल्कि खुद से शादी करेंगी। शमा ने शादी के इस खास फैसले को आत्म प्रेम का नाम दिया है। शादी के बाद शमा 2 सप्ताह के लिए हनीमून पर भी जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। बिन फेरे हम तेरे, ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है जहां पर ना ही दूल्हा है और ना ही फेरे हैं, लेकिन फिर भी हम तेरे हैं। जी हाँ, दरअसल ये पूरा मामला गुजरात का है, जहां एक 24 साल की क्षमा बिंदु इसी महीने शादी करने जा रही हैं। जहां शादी की सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं, लेकिन उनकी शादी में बस एक बात अलग होगी और वो ये कि इस शादी में दूल्हा नहीं होगा। हालांकि इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गुजरात के वडोदरा की रहने वाली क्षमा बिंदु खुद से ही शादी करने जा रही हैं। 11 जून को होने वाली उनकी शादी, फेरे और सिंदूर लगाने के साथ साथ शादी में होने वाली वो तमाम रस्में अदा करेंगी जो एक आम शादी में की जाती है, जिसके लिए सभी तैयारियां उन्होंने और उनके परिवार वालों ने की हैं। गुजरात में क्षमा बिंदु की शादी को स्वविवाह यानी सेल्फ मैरिज या फिर सोलो गैमी का पहला उदाहरण माना जा रहा है। बिंदु ने अपने फैसले को आत्म प्रेम का नाम बताया है। क्षमा बिंदु ये कहती है कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं दुल्हन जरूर बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने खुद से शादी करने का ये फैसला किया है और अब उस फैसले को मूर्ति रूप देने का वक्त आ गया है। क्षमा बिंदु ने ये कहा कि उसने इसके बारे में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पढ़ा, लेकिन देश में सोलोगैमी के किसी अन्य उदाहरण को खोजने में वे पूरी तरीके से असफल रही। क्षमा ने ये कहा कि शायद मैं अपने देश में आत्म प्रेम का एक पहला उदाहरण स्थापित करने वाली हूँ। क्षमा बिंदु ने इस शादी को आत्म स्वीकृति का कार्य बताया। इस अनोखी शादी की होने वाली दुल्हन क्षमा बिंदु ने ये कहा कि स्वविवाह अपने लिए एक प्रतिबद्धता है और स्वयं के लिए बिना शर्त का प्यार है। लोग किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं खुद से ही शादी कर रही हूँ। लोग मेरी इस शादी को पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं। बिंदु ने कहा कि मैं वास्तव में जो चित्रित करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि महिलाएं भी मायने रखती हैं। गुजरात की रहने वाली क्षमा बिंदु एक प्राइवेट फर्म के लिए काम करती हैं। क्षमा ने ये कहा कि खुद से शादी करने के इस फैसले में उनके माता पिता उनके साथ हैं। सभी रीति रिवाजों का पालन करने के अलावा दुल्हन ने खुद को 5 मन्नतें भी लिखी हैं। अपने विवाह समारोह के बाद बिंदु गोवा में 2 हफ्ते के लिए हनीमून के लिए भी जाएंगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।